हाथ सब ये सब मेरे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। दिख रहा है यहाँ पे चम्मच? नहीं ना, मैंने बस यहाँ से इसको यहाँ तक लाई और चम्मच मेरा टूंग हो गया। और ये चश्मा मैं कहाँ कहाँ रख देती हूँ पता नहीं चलता, फिर मैं भूल जाती हूँ कि चश्मा पहना है। ये क्या है भाई? ये ओट्स है, काचा कोला, रॉ बनाना, और फिर दाल है कोई कोई मिक्स सा, लेकिन शायद मम्मी ने इसमें हल्दी नहीं मिक्स करते ना शायद। तो ये प्लेन सा कुछ। अच्छा, बहुत आयरन है इसमें। काचा कोला में बहुत आयरन होती है। काचा कोला बंगाली में कहते हैं। मामा मामा चामच तो ढुके कैसे दाओ अय्या নিজা নিয়ে যাই দা লঙ্কা ছিল একটা কুঁজে পড়ছে লঙ্কা খুঁজতে লাগবো না যাও একটা লঙ্কা দিছি দিছি হলদি দাও নাকি না হলদি বাটা হলদি না ও হোয়াইট হোয়াইট না এটা ঠিক আছে বাট টেস্টি আই হে মতলব সুবে কা না মেরা মেরা মর্নিং রুটিন বহুত হি কুছ না কুছ আচ্ছা হোতা হে মতলব হেলদি হোতা হে উসকে বাদ জেসে কি ফর এগজাম্পল অ্যালোভেরা জুস ये यहाँ पे मैंने तल मिश्री का जूस पिया, मतलब तल मिश्री भिगो के रख के, फिर वो मिश्री जो होती है ना मीठी मीठी, वो भिगो के रख के उसका पानी पिया, वो उसको उससे ना आपका यूरिन सिस्टम सही रहता है। तो मुझे अभी पेट ठंडा रखता है इसीलिए मैं वो पी रही हूँ। कल लेके आई मैं मार्केट से। और क्या, फिर पानी तो ऑब्वियस सा बात है कि मेरा पानी होता ही है मेरा, एक लीटर का ये ख़त्म करती हूँ उसके बाद ये खाती हूँ, तो ऐसे ही होता है। तो आज लेकिन मैंने इस बॉटल से पी लिया, तो ये बॉटल भरती है अभी भी। हे गाइज, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आज है 5th of July और आज अभी मैं मार्केट जा रही हूँ। एक्चुअली बज रहे हैं 11:30 और 11:30 आज धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा धूप है एकदम, और मैं मार्केट जा रही हूँ। कल के कपड़े पहन लिए, काफ़ी कलरफुल दिखता है एकदम ये कपड़ा। एनीवे, सो गाइज मैं मार्केट जा रही हूँ, मतलब सब कुछ हो गया है मेरा। और ये मास्क लगाओ, मुझे मार्क से बहुत बहुत परेशानी होती है। पैसे नहीं लिए, हाँ लैपटॉप भी लेके जाना। एक्चुअली लैपटॉप की गड़बड़ी हो गई यार, गड़बड़ मतलब लैपटॉप जो है ना यहाँ से साउंड निकलते रहता है, मैंने कहा था यहाँ से साउंड निकलते रहता है, तो हवा नहीं, बैटरी ऑन करने के बाद ही ऑन होता है करीबन, और नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम दे रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। उसके ऑन करने के लिए, उसको ऑन करने के लिए अभी उसको निकाल के फिर जाके ऑन करना पड़ रहा है, तो बहुत परेशानी हो रहा। आज कॉलेज से कुछ एक डिसर्टेशन का ही कुछ काम दे दिया, उसका एडिटिंग वगैरह कुछ करना है, मतलब डिसर्टेशन का कुछ पेपर्स का 5 जुलाई तक। कल तो मैं घर पे नहीं थी, इतना बर्थडे वर्डे सब करके बिजी, एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। हेयर पीछे चला जा रहा है क्या, कितने अच्छे से बांधा था मैंने। एनीवे, तो और थ्रेडिंग वगैरह भी करना है, थोड़ा पार्लर जाना है, कल फंक्शन है ना, जाऊँगी वहाँ पर, तो मैं चलती हूँ फिर। कितनी धूप है यार, इतनी धूप में अच्छा नहीं लग रहा एकदम भी, और छाता भी मिला नहीं सकती थी क्योंकि लैपटॉप पकड़े छाता का हालत बहुत ख़राब था, तो मैं लेके नहीं आई। लेकिन धूप बहुत है यार, लैपटॉप को लेके बहुत परेशानी हो जाती है मुझे ना, मुझे लैपटॉप को कुछ हो जाता है तो मुझे टेंशन आ जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है। खर्चे का भी तो बात आ जाता है ना, एक खर्चा कमते ना कमते दूसरा खर्चा आ जाता है। ये जो है ना, ये हम लोग का दुकान है, देखो ये हम लोग का दुकान है। एक्चुअली पापा का घड़ी का दुकान है ना, जो 1 साल से बंद है, मैं बोलती रहती हूँ ना दुकान बंद है। और ये सारी चीज़ें ना मेरे पापा ने बनाया है, ये स्कल्पचर। मेरे एक हाथ में लैपटॉप है, नहीं तो मैं दिखाती हाथ पकड़ पकड़ के। हाथ सब ये सब मेरे पापा ने बनाया है। ये यहाँ पे गणेश है, घर पे भी आपने एक बार एक वीडियो में देखा होगा। और ये है, फिर हाथ है, फिर ये किसी का मूर्ति है, फिर ये एक बर्ड है, और भी कुछ कुछ बनाया था, कोई कोई लेके गया। मतलब एक बार ने ऐसे कांग्रेस का कोई हाथ बनाया था, तो किसी कांग्रेस पार्टी के लोग ने उन्होंने खरीद के लिया था, अच्छा लगा था। पर ये है जेरोक्स मशीन है, जो कि 1 साल से बंद पड़ा हुआ है। बाकी ये दुकान का हालत थोड़ा अभी बंद है ना, तो इसलिए ये हालत है, नहीं तो ये कितना भरा भरा हुआ था। यहाँ पे इतने सारे कलेक्शंस थे घड़ी के, मस्त है यार। मेरा लैपटॉप तो ठीक हो गया, लैपटॉप मैं ठीक करा के लाई अभी, फ़ोन में लेके नहीं गई थी, बहन के पास छोड़ के गई थी, और एक पैकेट डालिया लेकर आई हूँ, क्योंकि सुबह के नाश्ते में नहीं तो रात के, और मैं डिसाइड कर रही हूँ कि रात के खाने में अब से मैं राइस नहीं खाऊँगी। लेकिन लेट्स सी कि वो प्लान कहाँ तक मैं एग्जीक्यूट कर पाती हूँ। एक बार जब पहली बार मैं डाइट कर रही थी ना, पहली बार जब मैंने एकदम डाइटिंग स्टार्ट करी थी, बहुत सूख गई थी और मुझे एनीमिया हो गया था, मतलब आयरन की कमी बॉडी में, तो मैंने बहुत कुछ खाना छोड़ दिया था, वो बहुत ही गलत था। अगर आप डाइट करना चाहते हो
तभी कभी खाना मत छोड़ दिया करो, जो डाइट आप मेंटेन करो ना उसको रिप्लेस करो हेल्दी डाइट से, हेल्दी खाने से, तब जाके आपका बॉडी ले पाएगा वो चीज़। मुझे इतना डाइट के बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने गलती करी थी उस टाइम, मुझे एनीमिया हो गया था, होमोग्लोबिन की इतनी कमी हो गई थी, फिर लो प्रेशर हो गया था, फिर मुझे और खिला के ठीक करना पड़ा, मेडिसिन, डॉक्टर्स, लाइक आई नीडेड लाइक फ्यू मंथ्स टू गेट बैक टू माई ओन, मतलब एनर्जेटिक, और मतलब ऐसे एनर्जी, मतलब क्या कहते हैं उसको, फिट बॉडी मतलब आने में बहुत टाइम लग गया फिर उसके बाद। इसलिए मैं उस टाइम के बाद से मैं कभी डाइट रॉन्गली नहीं करती, मतलब अगर मैं नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी, अगर मैं भात खाऊँगी तो भात ही, और अनहेल्दी में शायद मैं कार्बोहाइड्रेट वो भात ही ज़्यादा खाती हूँ, आलू खाती हूँ, इससे ज़्यादा अनहेल्दी में कुछ खाती नहीं हूँ, कभी मैदा, कभी ये सब, कभी कभार वेरी लेस, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, ऑयली हाँ चलता है कभी कभार, लेकिन आजकल तो मुझे बहुत कॉन्शियस फील हो रहा है अपने हेल्थ को लेके, ट्राइंग टू बी फिट एंड लाइक ट्राइंग टू अवॉइड ऑयल वाला खाना, ऑयल वाला कुछ। इतना दुकान की हालत देख के ना बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं था, पत्ते भी इतने सूख गए, पत्ते। ये आई हूँ मैं पार्लर, एक्चुअली मुझे अपने आईब्रोज बनाने हैं, मानू ना इन्हों ने एटी एटे ठोस दे, फिर से मेरी रानी और जैसी ट्रीटमेंट होने वाली है, बिखाए हो मोर, बहुत दर्द होता है मुझे बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता करने को, गोल के कोई डिबा, हाँ गोल डिबा एकदम, मैंने कहा एक नपड़ालू हम और बिखाए करने, मैंने कि कल एक फंक्शन आसे और मैंने फ्रेंडर जो एंगेजमेंट आसे जा लगे, और पढ़ाई आसो उपाय ना। जलने लगता है ये सारा पार्ट, एकदम जलने लगता है जब शेडिंग कराने के बाद में बहुत जलने लगता है, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते, लड़कियों का प्रॉब्लम अभी क्या है, दर्द होता है फिर भी कराना पड़ता है। इधर हिंदी की कोई अमर की लोटका बोली निकी इनका टेंगा है कुछ है, ये खट्टा खट्टा खाने में इसी सीजन में निकलता है, जुलाई के सीजन में। ये नज़ारा, कुछ नज़ारा मैं कितना नज़ारा दिखाते रहती हूँ ना आप लोगों को, ये देखो ऑरेंज येलो, अरे भाई ऑरेंज येलो नहीं, ये मैं अभी घर जा रही हूँ, अरे भाई मरवाओगे क्या, इधर पानी है जा नहीं सकते, इधर इतना सारा पार्किंग है जा नहीं सकते, तो किधर से जाए अपन, क्या इधर से जाए अपन, अपन किधर से जाए, इतना इतना मैंगो वाला बैठता है ना देख के ना मेरे को खाने को मन होता है, लेकिन साला इतना पैसे नहीं है, मम्मी कभी कभार लेके आती है बाजार करने जब जाती है, लेकिन अपन तो नहीं ले सकता भाई, ओ बटरफ्लाई। चलो अपन घर जा रहे हैं अभी। कालिका बाजार में ना ये पत्ता मिला, ये पीपल का लीफ है, एक कितना कलरफुल है देखो, यहाँ पे येलो है, फिर यहाँ पे लाइट ग्रीन, फिर यहाँ पे थोड़ा सा डार्क, ये मेरे पैर में चिपक गया था तो मैंने इसको उठा के फिर लेके आई, आपको पता है कि मुझे पत्ते कलेक्ट करना अच्छा लगता है, और ये डिज़ाइन मैंने बनाया था, ये डूडल मैंने बनाया था बहुत पहले, ये डूडल मैंने बनाया था, दिस डूडल इज़ लाइक ट्रेन में बैठ के मैंने बनाया था इसको, मैं गुवाहाटी जाती थी ना कोचिंग के लिए, तो इस टाइम ये बुक तब ना 2018 का ये है, रिसेंटली मैंने यही बनाया था 2021 में, मैंने ये बनाया था, प्रैक्टिस कर रही थी ऐसे, यहाँ पे भी कुछ बनाने का मन था लेकिन हुआ नहीं, फिर उसके बाद और बनाया क्या मैंने यहाँ पे कुछ, लेट्स सी, ये फ्रेशर्स के टाइम पे मिला था हमें, फ्रेशर्स डे को, मतलब ये ना नागालैंड में जब फ्रेशर्स डे हुआ था तब मिला था, मैं मिस फ्रेशर्स बनी थी उस दिन, वाओ इट वाज अ नाइस फीलिंग, और यहाँ पे भी कुछ बनाना चाहती थी लेकिन बना कुछ नहीं, और यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये एक कैसा पेपर कहते हैं इसको, मैं पेपर से पेपर बनाया जाता है इसको, ये पेपर का नाम मुझे भूल गई, लेकिन ये हैंडी सा एक बुक है जो मुझे कोलकाता से ला के दिया था मेरे एक दोस्त। एनीवे
मेमोरीज है ना, मेमोरीज जिंदगी ना, सच में। देखो अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, इतनी बारिश हो रही है मतलब क्या बताऊँ, साउंड मतलब है ना, अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, इतने टाइम धूप था और अभी अचानक से बारिश, मेघ काले हो गए और बारिश गिरना स्टार्ट। मतलब यहाँ पे ना बारिश की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी बरस सकती है। मतलब मुझे ना फिर सच में ये ना लाइफ, पता है बारिश और धूप मुझे ऐसा लगता है इसलिए आती है पता, और इसका एनालिसिस ये है कि धूप के बाद बारिश आती है, बारिश के बाद धूप आती है, धूप के बाद बारिश आती है। लाइफ भी ना बिल्कुल ऐसी है, कभी बरसती है आँखों से, कभी हंसते हैं हम, इसको कहते हैं स्माइल, स्माइल एस एस फॉर सन, रेन टीयर्स, टीयर्स रेन, मतलब। और मेरा एक गीला टॉवल, मतलब हमारे घर पे ना सुखाने की जगह नहीं होती है, फिर ना मतलब क्या बताए कि जगह वगह नहीं है ना, तो सारे घर पे ऐसे ही ये लेट आना पड़ते। आज मैं जैसे तोतला जैसी बात कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि बोल ही नहीं पा रही हूँ कुछ। अभी लंच करूँगी, बज रहे हैं 2 और मैंने अपने बच्चों को आज 3 बजे बुलाया, 3 बजे पता नहीं बोलो आप भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मुझे शाम को मेरे फ्रेंड के घर पे जाना है। मतलब ना ये बारिश फिर से क्यों स्टार्ट हो गई यार, नहीं चाहिए। आई होप कि शाम तक ठीक हो जाएगा, अभी मैं क्रीम भी लगाऊंगी, फिर लंच करूंगी। मैंने इयररिंग नहीं खोला अभी तक। मस्त सब्जी मतलब मछली की करी बनी यार मेरे घर पे यार, टेस्टी। मतलब क्या है कि बहुत सालों बाद, मतलब बहुत टाइम बाद इतना रिच मछली बनाया मम्मी ने। ছেলেটা এসে কিন্তু অন্ধেরা দিব, এমনি ঘর লাইট কম, লাইট চালা, লাইট অন কর। বারিশ কে বজে সে না ই সারা খিড়কি বিড়কি বন্ধ করতে পড়তে, উসকে বাদ আমারে ঘর পে ডার্কনেস ফেল জাতি হে। ইয়ে মেরা রাইস, মেরা ও মছলি, ভেরি টেস্টি। সরি ডিয়ার ভেজিটেরিয়ান ভিউয়ার্স, লেকিন মে মাছ খাতি হু আর মুঝে বহুত পছন্দ হে। মম্মি কে হাতো মে না জাদু হে, জাদু। ক্যা সব ক্যা কারি বানাতি হে, মতলব ক্যা খানা বানাতি হে ইয়ার। मुझे नहीं आता इतना अच्छा खाना बनाना, बिल्कुल नहीं आता। डिसर्टेशन का झंझट ख़त्म ही नहीं होता यार, ख़त्म ही नहीं होता। मतलब पता नहीं क्या करूँ, इतना मुश्किल हो जाता है ना, मतलब क्या बताऊँ। यहाँ पे इतने सारे में काम, मतलब ट्यूशन है मेरे को, अभी फ्रेंड के घर जाना था, अभी रात को नहीं जा पाई तो पता नहीं कब कितने बजे जा पाऊँगी। कितना झमेला हो गया, अभी मैंने एक एडिटिंग किया तो सारा पेज नंबर उल्टा पुल्टा हो गया, अभी पेज नंबर ठीक कर रही हूँ तो नीचे वाला पेज नंबर, मतलब बेसिकली यहाँ का जो पेज नंबर होता है ना, जो डिक्लेरेशन वगैरह ये सब का जो होता है, इनका पेज नंबर अलग होना चाहिए। और इंट्रोडक्शन मैं दिखाती हूँ, जैसे कि ये है मेरा कहाँ गया, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है ना, तो इसका आना चाहिए पेज नंबर 1। ठीक है, दिख रहा है पेज नंबर 1, अबे दिख जाए यार। हाँ ये है पेज नंबर 1, और बाकी नीचे जितना भी, जैसे कि अभी तो इसको मैंने छोटा करके रखा है, मैं इसको बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। ये पूरा ब्लर हो रहा है, टेक्स्ट मत पढ़ना प्लीज़। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि मैंने बहुत गंदा डिसर्टेशन बनाया। तो ये लिटरेचर रिव्यू चैप्टर 2, चैप्टर 2 जो है उसका देखो पेज नंबर यहाँ पे देखो, चैप्टर 4 ना, तो ऐसा करके आना चाहिए। और बाकी जो ऊपर वाला जो भी है जितना पार्ट है उसका ना रोमन नंबर में आना चाहिए, मतलब ये रहा, दिख रहा है रोमन नंबर। तो ये यहाँ पे कुछ कुछ एडिटिंग बाकी था एकदम अच्छे से। ऊपर में मैं अपना कवर पेज दिखाती हूँ आपको, ये रहा, छोटा करके दिखाती हूँ ताकि पूरा स्क्रीन आ जाए। ये रहा मेरा कवर पेज, ठीक है, दिख रहा है ना, टाटा इंस्टीट्यूट डिसर्टेशन सबमिटेड फॉर द, ये है मेरा टॉपिक। एक स्टूडेंट को डिसर्टेशन की वजह से प्रॉब्लम हो गई है, कुछ ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं कश्मीर के ऊपर, कुछ लिखा था तो पार्टीशन का कोई वर्ड था शायद, तो उसके वजह से उसको दिकदार हो गया, कुछ प्रोटेस्ट वगैरह कुछ मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वहाँ तक चला गया था, फिर जाके हमारी प्लांट्स को खा रहा था। आज का सनसेट कुछ ऐसा दिखता है। अभी हम जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ाने बच्चों को, छोटा बच्चा को, एक छोटा सा बच्चा है ढोला जिसका बर्थडे हुआ था कल, वो 4 साल का हो गया। आज से अगर रोया ना वो पिटेगा मेरे से, इतना तंग करता है, कितना रोता है वो, हाय हाय, परेशान करके रख देता है वो मुझे। चल रही है मेरी व्लॉग, भाई देख रहे हैं किस कान में, मतलब हेडसेट लगा के भाई मेरा व्लॉग देख रहे हैं यहाँ पे, क्या सही क्लैरिटी भी का मस्त गजब आई है यार, थैंक यू रियलमी। ये फ़ोन आई एम सो सेटिस्फाइड विद दिस फ़ोन, रियलमी 7 है मेरे पास, और ये फ़ोन कैमरा के लिए बहुत ही सही है, बहुत ज़्यादा सही है। मेरा व्लॉग साउंड देना, हेडसेट खुले दे, ओ भगवान।
खुद को जब इस तरह मैं देखूंगी ना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और ज़्यादा मतलब और बुढ़ी हो जाऊंगी, तब जब ऐसे देखूंगी ना मैं, मुझे खुद को इतना ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील होगा, बड़ा मज़ा आएगा यार। ये मेरा फेवरेट ब्लॉग है, मतलब इसलिए मैंने बोला कि तुम लैपटॉप में इसको चला के देखो। ये जो मतलब पार्ट था, मतलब ये ब्लॉग मेरा अपना खुद का बहुत फेवरेट है। द येल्लो, आज येल्लो डे ऐसा कुछ ब्लॉग है, वो अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो ज़रूर देखिएगा गाइस। फॉर्चुनेटली बारिश स्टार्ट हो गया है और ये मोटी के साथ, ओह वी आर ट्विनिंग अगेन। व्हाट वॉर में दीदी, आई लव यू। मैं एक्चुअली अपने फ्रेंड की सगाई में कल सुबह जाना पड़ेगा, एक्चुअली मैं आज नहीं जा सकती क्योंकि मेरे को डिजर्टेशन का थोड़ा काम आ गया था, उसका एडिट करते करते काम बिगड़ गया, तो उसको करते करते और लेट हो गया। अभी मैं ढोला को ट्यूशन पर आई हूँ तो उससे भी लेट हो गया। अभी मैं कल ही जा सकती हूँ, नहीं तो नहीं जा सकती। और सब फन मिस कर दूँगी मैं, सब फन नहीं मतलब थोड़ा फन, कल आज का फन, कल जाएंगे फिर। एनीवे गाइस, मैं अभी थोड़ा खाना वाना खाऊँगी, मतलब फिर सो जाऊंगी। इतना सारा ब्लॉग एडिट करना है, ब्लॉग स्केड्यूल वगैरह करके फिर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा ब्लॉग है जो एडिट करना बाकी है। और ब्लॉग्स का काम सबसे पहले, राइट, ब्लॉग कम्स फास्ट, ब्लॉग पहले उसके बाद बाकी काम। एनीवे गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू ऑल, सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ टू। सातों की आप स्वस्थ रहो, आप अच्छे से रहो। और ये मुझे पसीना नहीं आया, मैं मुँह धो के आई हूँ और मैंने पूछा भी नहीं। तो आप ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और क्या करना मेरे को, मेरे चैनल जो है, मेरे ब्लॉग्स को देखते रहना, बस इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। आई लव यू ऑल, बाय बाय।